उत्तराखंड में पिछले 21 वर्षों से दो प्रकार के शिक्षा मॉडल का प्रयोग किया जाता है। पहला धनवान वर्ग का शिक्षा मॉडल, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और दूसरा आम जनता का शिक्षा मॉडल, जिनके बच्चे प्रदेश की बदहाल हो चुकी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पीने का पानी, टॉयलेट, बिजली आदि की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरह ही यहाँ पर भी स्मार्ट बोर्ड, स्टाफ रूम, ऑडिटोरियम, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएंगी। उत्तराखंड में पिछले 21 वर्षों से दो प्रकार के शिक्षा मॉडल का प्रयोग किया जाता है। पहला धनवान वर्ग का शिक्षा मॉडल, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और दूसरा आम जनता का शिक्षा मॉडल, जिनके बच्चे प्रदेश की बदहाल हो चुकी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी तो उक्त दोनों शिक्षा मॉडल के बीच का अंतर कम हो जाएगा, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना उत्तराखंड के हर नागरिक का अधिकार है। दिल्ली की तरह उत्तराखंड के शिक्षा मॉडल में बदलाव लाने के लिए 5 प्रमुख घटकों पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। पहला स्कूल के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन। कैंग के ऑडिट से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पीने का पानी, टॉयलेट, बिजली आदि की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस स्थिति को बदलना होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरह ही यहाँ पर भी स्मार्ट बोर्ड, स्टाफ रूम, ऑडिटोरियम, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएंगी। दूसरा शिक्षकों का क्षमता निर्माण। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और IIM अहमदाबाद जैसे उत्कृष्ट संस्थानों में कार्यरत विद्वानों से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भी यह अवसर प्रदान किया जाएगा। तीसरा प्राइवेट स्कूलों में फीस में स्थिरता। दिल्ली के पहले निजी स्कूलों में वार्षिक आधार पर अपनी फीस में 8 से 15% की वृद्धि करते थे। दिल्ली सरकार ने सभी निजी विद्यालयों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे फीस प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व किसी भी एक अधिकृत चार्टेड अकाउंटेंट से उसकी जांच करवाएंगे। ये मॉनिटरिंग सिस्टम उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी लागू कर सकती है। चौथा विद्यालय प्रशासन को जवाबदेह बनाना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जवाबदेह बनाने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी एवं निरीक्षण तंत्र स्थापित किया गया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया स्वयं विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, जबकि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की अनुशासनहीनता काफी प्रसिद्ध है। दिल्ली की यह निगरानी व्यवस्था उत्तराखंड में भी लाई जाएगी। पांचवा पाठ्यक्रम में सुधार। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहले असफलता दर 50% से भी अधिक था, फिर मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में नियमित शिक्षण गतिविधियों की शुरुआत की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित कौशल सीखें। इसी प्रकार नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य हेतु हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। इस तरह की व्यवस्था आम आदमी पार्टी सरकार बनने से उत्तराखंड में आ सकती है।